प्रेज़ द लॉर्ड, वेलकम टू आवर चैनल मेन वुमेन एंड डॉग मैन। गाइस, अनलॉक हो चुका है लेकिन हमारे जिम अभी भी लॉक है, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि जिम जो है वो एसेंशियल में नहीं आता, लेकिन दारू की दुकानें एसेंशियल में आती है। एनीवेज, आज का जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ उससे आप जिम की सारी एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं, तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, ये है रेजिस्टेंट पैंट्स। गाइज, ये बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका है एक्सरसाइज करने के लिए। आपको शायद सुन के हैरानी होगी, ये 300 रुपए से स्टार्ट होता है और 5000 तक के जाता है, तो जो भी आपको लेवल चाहिए रहता है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या आता है। ये एक छोटा रोलर है, कैसे यूज करना मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये उसके ग्रिप्स हैं, आपने देखा होगा जब हम क्रॉस केबल यूज करते हैं तो इसे लगा के करते हैं। ओके गाइज, ये है रेजिस्टेंट पैंट, ये देखिए। आपको मैं बता दूं, ये डिफरेंट कलर्स के तो है ही, साथ ही साथ में ये डिफरेंट स्ट्रेंथ लेवल्स के भी हैं। फॉर एग्जांपल, जो ब्लैक वाला है सबसे मोटा है, इसका स्ट्रेंथ लेवल सबसे ज़्यादा है। येलो वाला जो है ये इजीली आप देख सकते हैं स्ट्रेच हो रहा है और सबसे छोटा भी है, तो ये जो है ये लेवल 1 का, यानी कि इसका स्ट्रेंथ लेवल सबसे कम वाला है। वैसे इनके डिफरेंट लेवल्स हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इनसे आप सारी एक्सरसाइजेस आराम से कर सकते हो। बाइसेप, ट्राइसेप्स, चेस्ट, बैक, शोल्डर, लेग्स, एब्स, सब कुछ कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ओके गाइस, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मैं बॉडी पार्ट सारे कवर तो जरूर करूंगा, लेकिन हर बॉडी पार्ट के 2 या 3 ही वेरिएशन आपको बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डिटेल्स में हर एक बॉडी पार्ट के वेरिएशन के बारे में जानना है तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं। गाइस, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज मिल जाए कि इन बैंड्स को इस्तेमाल कैसे करना है और आप खुद से घर पर एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन सा बैंड आपके लिए परफेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले उसे हाथ में लीजिए और देखिए कितना आप इसे खींच सकते हैं। आप पहले ऐसा बांध लीजिए, ऐसा खींच के देख लीजिए। अगर ये बहुत इजीली खींच जा रहा है तो आप एक लेवल ऊपर कर लीजिए, और इनकेस अगर ये इजीली नहीं खींच पा रहा है तो एक लेवल कम कर लीजिए। मेरे लिए ये इजी पड़ता है, ये देखिए, तो मैं इसे इस्तेमाल करने लगा। यूज कैसे करना है बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, आपको सिंपल सा है, इसमें आपको इसे फिट करना है, बस। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, इनफैक्ट कोई बच्चा भी कर ले, सिंपल है। आप चाहें तो उसको दबा के भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आप इसको ऐसा करेंगे तो भी फिट हो जाता है, बहुत इजी है। देखिए किचन जैसा है ऑलमोस्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप स्पोर्ट शूज पहन के भी इसे यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो नंगे पाँव भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे पैर में ऐसे लगा लें और इसको देख लीजिए कि सेम लेवल का है कि नहीं है। होता क्या, कई बार हमारा एक पैर इधर होता है और एक पैर, तो ये देखिए डिस्टेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मेक श्योर कि आप पहले इसको देख लीजिए कि लेवल हो रहा है बराबर, थोड़ा आगे पीछे जो भी आपको लगे इसको लेवल प्रॉपर करिए और स्टार्ट। ये देखिए बहुत इजीली हो जाता है, ये हो गई बाइसेप्स के। अब मान लीजिए आपको इसमें लेवल थोड़ा बढ़ाना है, बस आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आपको आपके पैर का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आप जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना इसका लेवल बढ़ता जाएगा, बट मेक श्योर कि आप इसको जोड़ के देख लें कि लेवल बराबर है कि नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे तो नहीं। अब इसके बाद ये देखिए मेरे हाथ में प्रेशर अच्छा खासा आ रहा है, ये देखिए मैं आपको यूज करके बता रहा हूँ, अब एक्चुअल में फील आ रहा है। ये हो गई बाइसेप्स की। गाइस, बाइसेप्स की बहुत सारी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको सिंगल हैंड करना है, सिंपल यहाँ पे पैर फंसाइए, मेक श्योर कि ये लेवल प्रॉपर हो, ऊपर नीचे ना हो, इससे पकड़िए और ये देखें, आप सिंगल हैंड भी कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको लेवल बढ़ाना है तो आप एक हाथ ऐसा रख लीजिए, इसमें फिट कर लीजिए और ट्विस्ट हो जाएगी, आपका लेवल बढ़ जाता है। सब कुछ आपके पैर के डिस्टेंस पे निर्भर करता है, जितना आप पास रखेंगे उतना इजी रहेगा, जितना जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे लेवल और उतना इंटेंस होता जाएगा। ये तो हो गई बात बाइसेप्स की। अब मैं आपको बताता हूँ ट्राइसेप्स के लिए इसे इस्तेमाल कैसे कर। अब ट्राइसेप्स की बारी, देखिए मेक श्योर कि आपके दरवाजे की चिटकनी जो हो स्ट्रॉन्ग हो। रीजन क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता यह है कि एक्सरसाइज करते करते ना ये थोड़ा सा हिलने लगता है, और हिलते हिलते इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा छूट जाए, तो उससे आपको चोट लग सकती है। तो इट्स बेटर कि चिटकनी खोल दीजिए और उसके पीछे से लगाइए। ये आपका दोनों सेम होना चाहिए, एक पैर इस पर रख लीजिए या आप स्ट्रॉपर लगा लीजिए और आपका ट्राइसेप्स आप इजीली ले सकते हैं। ये देखिए जितना लेवल आपको ऊपर करना है उतना पकड़ लीजिए, मेक श्योर ये सेम हो, और उसके बाद आप पुश डाउन कर सकते हैं। ये देखिए योर प्रेशर दे रहे हैं, गोल घूम के भी ले सकते हैं, लेकिन आपको बता देता हूँ करके। बाइसेप ट्राइसेप्स तो हो गया, अब चेस्ट। कोई भी आप बैंड लीजिए उसे आपस में ही जोड़ लीजिए, सिंपल उसे आप एक पीछे डाल लीजिए, आपका एक हाथ बाहर निकाल लीजिए। अब आपको मानने हैं टिप्स, आपको जो भी डिस्टेंस रखना है
ओके गाइस, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप बैंड चेक कर लीजिए. क्यों? क्योंकि हो सकता है बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए आपका लेवल अलग हो, चेस्ट बैक के लिए अलग हो, शोल्डर लेग्स के लिए अलग हो. तो मेक श्योर कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप पहले बैंड चेक कर लीजिए कि क्या वो आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से परफेक्ट है या नहीं. चेस्ट के लिए एक और एक्सरसाइज आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको लगेंगी खिड़की. आपको सिर्फ खिड़की के ये रॉड से, बस किसी भी रॉड से आपको उठा के ऐसा लाना है. थोड़ा इंक्लाइन हो जाए और क्लोज ग्रिप भी ले सकते हैं. ओके गाइस, चेस्ट की एक्सरसाइज तो हुई, अब मैं आपको बताता हूँ बैक के लिए इसे इस्तेमाल कैसे करना है. लेवलिंग कर लिया आपने, आप चाहे तो अपने आप को थोड़ा बेंड कर सकते हैं, चेस्ट और बैक आर्च आप पुल कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर कई लोगों की आदत होती है रिवर्स पकड़ने की, तो आप रिवर्स भी आप ऐसा ले सकते हैं, आप इस ग्रिप में भी ले सकते हैं. कुछ लोगों को आदत होती है स्ट्रेट पकड़ने की, स्ट्रेट लेवल में भी आप ले सकते हैं. जैसे चेस्ट ये लगाना था वैसे ही लग चुका है. लेवल आपको बढ़ाना है सिंपल, इसको एक आगे कीजिए, इसको भी एक आगे कीजिए, लेवल सेट कर लीजिए. आप देख सकते हैं मेरे बैक पे प्रेशर आ रहा है. ओके गाइस, अब शोल्डर के लिए सिंपल है, आप चाहे तो एक पैर रख सकते हैं या चाहे तो आप दो पैर रख सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आप देख लीजिएगा आपका शोल्डर प्रेस. अब आप इसमें फ्रंट रेजेस भी ले सकते हैं, प्रेशर बढ़ाना है दोनों पैर रख लीजिए. अब साइड रेजेस भी ले सकते हैं, और अगर आपको श्रग्स लेना है यहाँ पे पैर रख लीजिए आप अपना, और इसको भी और छोटा कर लीजिए. अब हम करेंगे लेग्स की एक्सरसाइजेस. ओके गाइस, लेग्स के लिए आपको लगेगा ये रोलर जो है ये इसके साथ आता है, आपको बस दरवाजा खोलना है और जो रोलिंग वाला पार्ट है वो आपको बाहर रखना है. इसके अंदर से आराम से चला जाए, आपको दरवाज़ा कर लेना है बंद, इस तरीके से उसे लगा लेना है ये देखिए, और ये दोनों को आपको एक में ही फिट करना है, और इसको अच्छे से पैर में फंसा लीजिए. ये बहुत इजी है, किसी भी दरवाजे के नीचे चला जाता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज ये बाहर नहीं आता. अब हम करेंगे स्क्वाट, आप चाहें तो ओवरहेड स्क्वाट भी ले सकते हैं. अब हम करेंगे एब्स, आप इसमें अच्छे से लगा लीजिए. जो आप क्रॉस केबल में लेते हैं सेम ये चीज़ आप इसके लिए भी ले सकते हैं, आप साइड के लिए ले सकते हैं, ये देखिए आप स्ट्रेट ले सकते हैं. दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है लेग राइजेस, उसके लिए भी हमें ये लगेगा. फिटिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और आप लेवल देख लीजिए आपको कितना लेवल चाहिए. लाडो लोहो पापा इस जूनियर एक्सरसाइज है बाबू, आप लेग राइजेस भी आराम से मार सकते हैं. खिड़की में लटकाना है आपको, लेवलिंग करनी है, और आप ऑब्लिक्स के लिए भी ले सकते हैं. जो भी आपकी हाइट है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं. तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये जो वीडियो बनाया वो मैंने बिगिनर्स लेवल वालों के लिए बनाया, जो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन जिम सारे बंद है, तो आप ये रेजिस्टेंट बैंड खरीद सकते हैं और आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं. यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियोस हैं, और उन फ्रेंड्स के लिए भी मैंने ये बनाया है जो जिम को बहुत मिस कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ. बट गाइस मैं कहना चाहूंगा, देखो जिम वाली फीलिंग तो नहीं आएगी, मगर घर पे खाली बैठने से तो अच्छा है समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना, कुछ नहीं से अच्छा कुछ सही, तो ये ले लो, गो फॉर इट. कम से कम आपकी एक्सरसाइज तो होती रहेगी. कोई भी बिगिनर्स हाई वाला मत लीजिए, और कोई भी हाई वाला जो है वो बिगिनर्स लेवल का मत लीजिए. गाइस इन बैंड्स की एक और खासियत ये है कि इनका कोई वेट नहीं होता, एक छोटे से पाउच में आते हैं, तो जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप आराम से इसको लेके जा सकते हैं. देखो आप डंबल और रॉड तो लेके जा नहीं सकते हो, लेकिन इसे आप बहुत आराम से लेके जा सकते हो. मैं खुद लेके जाता हूँ जब मैं शूट पे रहता हूँ, बॉडी मस्त पंप रहती है हमेशा. तो आपको ट्रैवलिंग जहाँ आप कर रहे हो वहाँ पे जिम नहीं रहेगा, कोई एक्सरसाइज ना छूटे, तो आप इससे आराम से कर सकते हो. तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस. ओके दैट्स इट फॉर द डे, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो. अगर लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए. बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक खुश रहो, खुश रहने तब प्रेज़ द लॉर्ड, बाय.